यूपी में आतंक और आतंकवादियों को खत्म करने में जुटी यूपी एटीएस अब वजीहुद्दीन से आईएसआईएस से राज उगलवानी की तैयारी करे। यूपी एटीएस को उम्मीद है कि वो वजीहुद्दीन के सहारे आईएसआईएस का सफाया करेगी। यूपी एटीएस का आतंक पर प्रहार, आतंकियों के प्लान पर फिर फिरा पानी, परत दर परत खुलेगा एक एक राज। आतंकी प्रोफेसर बताएगा सभी सच, वजीहुद्दीन से पूछताछ की तैयारी, एमयू से जुड़े तार का होगा खुलासा। उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में हमले का षड्यंत्र रच रहे इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के आतंकियों पर यूपी एटीएस की पैनी नजर है। एटीएस आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के बाद अब उनसे जुड़े हुए तारों को खंगालने में जुटा हुआ है, जिसके लिए कई आतंकियों को गिरफ्तार करने के बाद अब उनसे राज उगलवाने की तैयारी में जुटा हुआ है। और जल्द ही यूपी एटीएस छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आईएस के पुणे मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य वजीहुद्दीन से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है, जिसके ऊपर एएमयू में आतंकियों को तैयार करने का आरोप है। क्योंकि वजीहुद्दीन को लेकर ये बातें सामने आ रही है कि वही मुख्य सरगना है आईसिस का उत्तर प्रदेश में, और वही लड़कों को युवाओं को भड़काने का काम कर रहा था। जानकारी के मुताबिक यूपी के बड़े शहरों में हमले का षड्यंत्र रच रहे इस्लामिक स्टेट यानी आईएस के आतंकियों को बम बनाने का ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था। इसके लिए अब्दुल्ला अरसलान, नावेद सिद्दीकी और माज बिन तारिक को तैयार किया जा रहा था। आईएस के हैंडलर और आतंकी शहरवाज इन्हें बम बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दे रहा था, जिसके निशानदेही पर अलीगढ़ में बम बनाने के कुछ उपकरण भी मिले। इन्हीं आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है, जिसकी जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आतंकी वजीहुद्दीन आईएसआईएस का मास्टरमाइंड है। आईएस के पुणे मॉड्यूल से जुड़े दो संदिग्ध आतंकी अरसलान और तारिक की गिरफ्तारी के बाद और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल अरसलान और तारिक से यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद जो इनपुट मिला था, उस इनपुट के आधार पर छत्तीसगढ़ से यूपी एटीएस ने वजीहुद्दीन नाम के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। लेकिन वजीहुद्दीन के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। एटीएस को मिली जानकारी, आईएसआईएस का मुख्य आतंकी वजीहुद्दीन यूपी में आतंकियों को कर रहा था तैयार। हया के नाम पर छात्रों को करता था उत्तेजित, अल्लाह के रास्ते पर चलने की देता था नसीहत, कुरान को बताता था मुस्लिमों का संविधान, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। अमीर नाम से ग्रुप में बुलाया जाता था वजीहुद्दीन, अमीर का मतलब होता है शासक। आतंकी साजिश के लिए वजीहुद्दीन करता था बैठक, बैठक में मिले थे अरसलान और माज बिन तारिक। दिल्ली दंगे के आरोपियों के संपर्क में था वजीहुद्दीन, आरोपी शर्जिल इमाम के समर्थन में किया था ट्वीट। आतंकी अरशद वारसी का भी वजीहुद्दीन से कनेक्शन, अरशद अपने कई पोस्ट में अमीर से करता था संबोधित। पूछताछ से मिली जानकारी के बाद एटीएस को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार आतंकी वजीहुद्दीन से पूछताछ में कई जानकारी मिल सकती है, साथ ही कई साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक वजीहुद्दीन को आईएस के इतिहास के बारे में जानकारी है, जिसके जरिए एटीएस पूरी नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। एटीएस के संभावित सवाल, कौन है संगठन का संचालक, संगठन से कैसे जुड़ते हैं छात्र, कौन कौन संगठन के निशाने पर, क्या है संगठन का प्लान, कहां से होती है संगठन को फंडिंग, संगठन के लोगों की कहां और कैसे होती है ट्रेनिंग, इस सारे सवालों के साथ ही यूपी एटीएस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए कई छात्रों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इनमें से देश विरोधी गतिविधियों और घटनाओं के साजिश रचने में शामिल कई छात्र बताए जा रहे हैं। पुख्ता सबूत मिलने पर एटीएस गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि एटीएस ने अब तक अब्दुल्ला अरसलान, माज बिन तारिक, वजीहुद्दीन, राकिब इमाम, नावेद सिद्दीक, मोहम्मद नुमान, मोहम्मद नाजिम समेत कुल 7 को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर आरोप है कि यह सभी आईएसआईएस मॉड्यूल के सक्रिय सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे, जिनके खिलाफ आपत्तिजनक वस्तुएं जिनमें जिहादी साहित्य, पेन ड्राइव, आतंकी गतिविधियों के प्रचार प्रसार से संबंधित अन्य सामग्री भी मिले हैं। इन सभी गिरफ्तार आरोपियों से एटीएस पूछताछ कर यूपी से आतंक के नामो निशान को मिटाने में जुटी हुई है। लखनऊ से अविनाश के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।